हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोलर्स डायरी में। तो अब मैंने अपना सफर शुरू किया है उखी मठ के लिए। तो हमें उत्तराखंड के इस टूर पे, जहाँ पे ऋषिकेश से हमने सफर तय किया है, सफर शुरू किया है बद्रीनाथ के लिए। तो ऋषिकेश से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए हम आगे बढ़ गए हैं उखी मठ के लिए। यहाँ उखी मठ पे हम स्टे करेंगे एक दिन के लिए और उसके बाद दूसरे दिन निकल जाएंगे जोशी मठ के लिए, और जोशी मठ के बाद जाएंगे बद्रीनाथ और माना विलेज। तो हम यहाँ रुके हैं होटल मधु गंगा में और हमारा स्वागत हुआ ब्रांच जूस के साथ। So this is ब्रांच जूस। Okay, ब्रांच जूस, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस फ्लावर है। तो एक प्रकार का रोडोडेंड्रॉन है ये ब्रांच, जो एक फ्लावर है, हिमालय डिस्ट्रिक्ट में, हिमालयस में पाया जाता है। तो ये है ब्रांच, इस फूल का ड्रिंक बना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्दी रखता है आपको। पहाड़ों के लिए बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। ब्यूटीफुल होटल विद अ ब्यूटीफुल लोकेशन। मधु गंगा उखी मठ। तो मैं आपको अपडेट करती रहूंगी और दिखाती रहूंगी कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या देखा। आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए उत्तराखंड के इस ट्रिप को। तो चलिए दिखाते हैं उखी मठ में और क्या क्या देखा हमने। ये देखिए उखी मठ है, रूम से हम देख पा रहे हैं शाम के समय कितना ब्यूटीफुल और कितना खूबसूरत है। लाइटेड अप है ये होटल के एरियाज में, तो बहुत सुंदर लाइट है और ये बहुत ही खूबसूरत सा होटल है, बहुत ही अच्छा। यहाँ से नीचे आप देखिए आबादी भी दिखाई दे रही है वहाँ पे, और वो सड़कें भी दिखाई दे रही है जहाँ से हम ऊपर आए हैं, और हैबिटेट्स भी नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत। तो वेलकम टू उखी मठ। तो हम है यहाँ पर होटल मधुगंगा में और जाएंगे आज दर्शन करने ओमकारेश्वर का। बहुत ही मनोरम दृश्य, चिल कीजिए, एंजॉय कीजिए बालकनी में बैठकर और देखिए यहाँ का सुंदर दृश्य। अभी सनसेट भी बहुत ही खूबसूरत हुआ था और हमने बहुत एंजॉय किया। तो चलते हैं देखने आप टेम्पल्स को और एंजॉय करते हैं यहाँ के सीनिक ब्यूटीज को। होटल में तो देखिए मॉडल यहाँ रखा हुआ है श्री बद्रीनाथ जी का, और यहाँ पे केदारनाथ जी भी हैं। एंड इट इज जस्ट सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मॉडल्स। गंगा में है और ये है रिसेप्शन, ये संजीव है। संजीव, बहुत अच्छा लगा है, आपको कुछ बताइए कैसे बुकिंग होती है? ऑनलाइन होती है ना? जी सर, बुकिंग आपका यहाँ डायरेक्ट भी करा सकते हैं और उसको ऑनलाइन भी करा सकते हैं। अच्छा, और कितने दिन पहले कराने से? सीजन रहेगा तो कितने दिन पहले कराने से? तो आप कम से कम 10 डेज पहले तो रखिए, क्योंकि प्री बुकिंग हो जाती है। अच्छा, पीक सीजन कौन सा है? पीक सीजन ये है सर, मई अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून। अच्छा, बुकिंग बुकिंग के लिए आपको डाटा टेबल कराना है तो हम मेल पे बुकिंग देते हैं। अच्छा, मेल पे आपको कुछ एडवांस कराना है इस कंफर्मेशन के लिए, तो फिर हम बुकिंग आपको कंफर्मेशन भेज देते हैं। ओके, आपको भेजा हुआ है तो फिर इंफॉर्म हो जाती है आप। बाकी डायरेक्ट ऐसा रहता है कि जैसे रूम अमाउंट आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। कैसा रहा वहाँ पर एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा होटल है, रूम्स आर गुड एंड बाहर सीनरीज आर वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है। हम लोगों को बहुत पसंद आया ये, होटल का लिंक एंड सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। उखी मठ इवनिंग इन उखी मठ। तो मधुगंगा रिजॉर्ट में ठहरे हुए रॉयल आर्किड का है ये, बहुत ही बढ़िया जगह, मस्ट कम।
इस होटल में पार्किंग स्पेस भी काफ़ी है और बहुत ही अच्छा स्पेशियस होटल है। और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक रूम, इसका एक रूम भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये था हमारा 310 रूम और आपको इसके अंदर भी दिखा दूंगी। ये है लॉबी, ये देखिए दोनों तरफ से होटल और ये है अंदर रूम, काफ़ी स्पेशियस है और नॉर्मल जैसे एक रूम एक होटल में जैसा रहता है, बेसिक सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ही साफ़ सुथरा क्लीन नीट रूम। देखिए ये है बालकनी, तो आप ज़रूर ये इस तरह के ये माउंटेन फेसिंग बालकनी लीजिएगा, रूम लीजिएगा, क्योंकि इस बालकनी से आप वाकई बहुत इंजॉय कर सकते हैं अपने ऊखी मठ के दृश्य को। टीवी वगैरह सभी कुछ है, मतलब नॉर्मल एक होटल रूम्स में जो भी फैसिलिटीज है सभी है, और लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर जगह पे स्थित है। भूख बहुत लग गई थी तो सीधे फ्रेश होके हम पहुंच गए उसके रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। देखिए एक झलक खाने के लिए लेना चाहो तो। सो हियर इज द बफे विद बिगिंस विद द वेजिटेरियन कोरिएंडर सूप। ओके, हियर इट इज सम पापड़, सम चटनी एंड चिली गार्लिक, नूडल, पनीर, मखनी एंड हियर आर द वेरियस सैलड्स यू कैन सी। बनारसी मलाई कोफ्ता, आलू गोभी अदरक की दाल मखनी, पीस पुलाव, एसॉर्टेड इंडियन ब्रेड एंड रसगुल्ला। एंड दिस इज अ टेबल इज सेट, लुक्स गुड, लेट्स सी हाउ इट। कैसा है खाना? टेस्टी है, एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग, वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। ओके, व्हाट इज माय फूड, यू एंजॉयिंग द फूड, व्हाट इज। खाना खत्म करके हम निकल गए ओमकारेश्वर टेम्पल का दर्शन करने के लिए। रात के 7 बज गए थे और अंधेरा काफी हो गया था इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, तो चलिए दिखाते हैं रास्ते की एक झलक। तो हम हैं ऊखी मठ पे और ये है करीब 7 बजे। एक कम ऑन यार, वी गो, वो पहाड़। हमें पता चला कि मंदिर बंद हो चुका होगा लेकिन फिर भी हम देखने निकल पड़े, तो रात में कुछ तो दिख नहीं रहा है लेकिन ओके। तो ऊखी मठ हम रात को घूम आए थे और मंदिर भी बंद हो चुका था। एनीवे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सुबह। तो यह है दूसरी सुबह ऊखी मठ में और हम आज ही निकलने वाले हैं जोशी मठ के लिए टूअर्स बद्रीनाथ। तो चलिए देखते हैं। देखिए सुबह का ये दृश्य ऊखी मठ का, सनसेट हमने आपको दिखाया था, ये सुबह का समय है। सुबह बहुत ही खूबसूरत है ऊखी मठ, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए वॉचिंग नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऊखी मठ और अब मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में जोशी मठ में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।